इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोला गया, औसानी बिस्सलाती वज़्ज़ाकाती मा दुमतु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जब बच्चे थे बोल रहे थे कि मुझे हुक्म दिया गया है नमाज कायम करने का और ज़कात देने का, कब तक? जब तक मैं जवान हूँ या जब बूढ़ा हो जाऊँ तब नहीं, मा दुमतु हय्या, जब तक मैं जिंदा हूँ। रसूलुल्लाह को हुक्म कह दिया गया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, आप रब की इबादत करते रहें जब तक आपको मौत ना आ जाए। तो एक मुसलमान ऐसा नहीं होता कि एक अमल किया फिर छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, मुसलमान मौत तक नेक अमल करता रहता है। इन्नमल अमालु बिखवातीम, बिकॉज एक्शंस आर बेस्ड ऑन देयर एंडिंग्स। मैं एक मिसाल देता हूँ, अल्लाह के नबी की हदीस है ना कि 12 रखते हैं जो भी दिन में पढ़ेगा, सुनन रवाबित रवातिब, जो पढ़ेगा दिन में 12 रखते हैं, अल्लाह सुबहानहु तआला उसके लिए जन्नत में घर बना देंगे। ये सुना था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे हबीबा ने, जब से सुना मौत तक ये 12 रखते पढ़ी। उनसे सुना अब्बासा ने, जब से सुना मौत तक की 12 रखते पढ़ी। उनसे सुना अमर बिन औस ने, जब से हदीस सुनी फर्स्ट टाइम ही हर्ड दिस हदीस अपनी मौत तक ये पूरा करते रहे। उनसे सुना नुमान बिन सालिम ने, और जब ये सुना मौत तक ये हदीस पे अमल करते रहे। और हमने कितनी अहदीस सुनी है, अल्लाह अकबर, और हमने उनको अमल 2-4 दिन किया, 1 दिन किया, छोड़ दिया। एक मुसलमान ऐसा नहीं होता। डोंट लुक एट द एक्शन हाउ बिग और स्मॉल इट इज, रादर लुक हाउ कंसिस्टेंट यू आर अपॉन इट। असब्र अला तौअतिल्लाह, ये सब्र की किस्म है। दूसरी किस्म असब्र अल मआसी, गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचना, उस पर सब्र करना। और तीसरी किस्म असब्र अल मसाइब, मुसीबतों पर पेशेंस इख्तियार करना, ऑन क्लैमिटीज, ये जिसमें हम बात कर रहे थे। सही बुखारी के हदीस है, अता बिन अभी रबाह कहते हैं कि मुझे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक वाक्य बताया और कहा कि तो मैं एक ऐसी औरत का नाम है ना बताऊं जो जन्नती है। जी ज़रूर बताएं। कहा कि एक शख्स, एक ब्लैक लेडी रसूलुल्लाह सल्लम के पास आई और आप सल्लम से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लम मुझे एपिलिप्सी के अटैक्स होते हैं, मेरे लिए दुआ करें। तो आप सल्लम ने कहा कि अगर तुम चाहती हो इस पर सब्र करना तो सब्र कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत का वादा करेंगे, जन्नत अदा करेंगे, तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें शफा दे देंगे। तो उसे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया? या रसूलल्लाह मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दें, मैं इस पर पेशेंट होंगी, मैं इस पर पेशेंस इख्तियार करूँगी। और रसूलल्लाह बस होता ही है कि जब मैं गिरती हूँ, एपिलेप्सी का अटैक होता है तो मेरे जिस्म अनकवर हो जाता है, तो बस अल्लाह ताला से अब ये दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मेरा जिस्म अनकवर ना करे और मेरा पर्दा कायम रखे। तो अल्लाह के नबी ने यह दुआ की और उस पर सब्र किया। और रसूलल्लाह ने कहा कि किसी ने जन्नती औरत देखनी है, वो जो इस मुसीबत पर सब्र कर रही है ना, वो ये जन्नती औरत है। यानी मुसीबतों पर सब्र करने से जन्नतों के वादे हैं अल्लाह ताला के। और उसको जब भी वो अटैक हुआ एपिलेप्सी का, उसका ऑरा, उसका जो वाजे नहीं हुआ, ये होता है सब्र। अली बिन हुसैन बिन अली बिन तालिब अहलुल बैत में से हैं, अपनी ग़ुलाम लोनी थी उनकी, वो उनका वज़ू करवा रही थी, तो वो वज़ू करते करते ना उस जो मटका था वो गिर पड़ा और उसके सर पे लगा और ज़मीन पे गिरा और सारा कीचड़ उनके कपड़ों पे। अल्लाह अकबर। अब ये ऐसी नहीं अहलुल बैत की शान है। गुस्से से उनको देखा, क्या पढ़ती है वो? वल काज़िमीन अल ग़ैज़, जो अपने गुस्से को पीते हैं, रोकते हैं। तो वो ठंडे हो गए कुरान की आयात सुन के। वो लोग ना कुरान को सिर्फ बख्शने बख्शाने के लिए, सर पर रखने के लिए कि बेटी का ब्याह, और कुरान पे अमल करने वाले लोग थे। वल काज़िमीन अल ग़ैज़, जो लोग अपने गुस्से को पीते हैं, उन्होंने अपने गुस्से को फ़ौरन से पी लिया। क्या कहते हैं? क़द कज़मतु ग़ैज़ी, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। क़ालत वलाफ़ीन अन नास, अब माफ़ भी कर दें गुस्से को पी लिया है तो। कहते हैं क़द अफ़ल्लाहु अन्की, मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया। क्या कहती है? क़ालत वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन से बहुत प्यार करता है। आगे से क्या जवाब दिया? क़ाल इज़हबी व अंती हुर्रा, चली जाओ यहाँ से, तुम आज के बाद आज़ाद हो, ये एहसान है। अल्लाहु अकबर। और हम लोग, हम पे कुछ जुल्म करें, उन पर उन्होंने मटका गिराया, सारे कपड़े गंदे कर दिए, एंड इन रिजल्ट शी वाज सेट फ्री। ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम भी कोई जुल्म जाती करें, हम कहते हैं इसकी नस्लें याद रखेंगी। अल्लाह,
सईद इब्न खुदरी फरमाते हैं कि एक अंसारी शख्स है, उन्होंने अल्लाह के नबी से कुछ मांगा तो अल्लाह के नबी ने अता कर दिया, फिर मांगा फिर अता कर दिया, फिर मांगा फिर अता कर दिया, फिर मांगा। तो कहते हैं रसूल सल्लम के इफ़ आई हैड एनीथिंग आई वुड हैव नेवर केप्ट अवे फ्रॉम यू, अगर मेरे पास और कुछ होता मैं तुम्हें अता कर देता। और याद रखो, जो शख्स लोगों से मांगने से एहतियात करता है अल्लाह ताला उसको इत्मीनान और सुकून बख्श देते हैं। जो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता है अल्लाह ताला उसको सेल्फ सफिशिएंट बना देते हैं। और जो शख्स पेशेंस इख्तियार करता है, सब्र इख्तियार करता है, अल्लाह उसको सब्र अता कर देते हैं। यानी पेशेंस कम्स विद प्रैक्टिसिंग पेशेंस। और फिर फरमाया नोबडी कैन बी गिवन अ ब्लेसिंग बेटर एंड ग्रेटर देन पेशेंस। याद रखो, कोई इंसान उसको पेशेंस और सब्र से बड़ी नेमत आज तक नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि मुसलमान मोमिन की ये शान है, ये मीरास है। और मोमिन का मामला बड़ा अजीब है कि उस पर कोई मुसीबत आती है उसके लिए वो खैर है, और उस पर कोई नेमत आती है उसके लिए वो खैर है। और अल्लाह के मैंने कहा ये सिर्फ मोमिन का ही मामला है। क्यों? मुसीबत आती है वो उस पर सब्र इख्तियार करता है, और आफत या कोई अच्छी न्यूज़ आती है, अल्लाह की नेमत आती है, वो क्या करता है? अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्लाह दी भी नेमत है तत मुसालिहात, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दोनों मामलों में इसके लिए रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह कहा करते थे कि अल्लाह सुबहान व तआला हैज़ नॉट बेस्टोड एनी ब्लेसिंग अपॉन हिज स्लेव्स देन टेकिंग इट अवे एंड रिप्लेसिंग इट विद पेशेंस। अल्लाह ताला ना अपने बंदे से जब कोई नेमत लेता है ना, उस लेने के बाद उस बंदे को सब्र अता करता है, तो याद रखो उस नेमत के छिन जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि उसको सब्र अता कर दिया गया। और अल्लाह इसकी वजह से उस बंदे के दर्जात बुलंद कर देते हैं, उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। नहीं, उस ब्लेसिंग का उस बंदे के पास वापस आना इससे कहीं बेहतर है कि अल्लाह उसको सब्र अता कर दे और अपने रब की तरफ देखना शुरू हो जाए। कुरान कहता है कि फसबिर इन्नल आकिबता लिलमुत्तकीन, सब्र अता करें क्योंकि जो आकिबत है ना, जो क़यामत का घर है, वो मुत्तकीन के लिए है। वसबिर अला मा असाबक, जो आप मुसीबतें हैं उस पर सब्र करें, अल्लाह का हुक्म है आपके और मेरे लिए। वसबिर फसबिर सब्रन जमीला, सब्र करें और बेहतरीन सब्र करने वाले बन जाएं। इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कितनी आयत और हदीस हैं, एंड वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट आई वांट टू एंड हियर। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह अजअलना सबूरा वजअलना शुकूरा, या अल्लाह हमें सब्र करने वाला बना, हमें शुक्र करने वाला बना। वजअलनी फी आईनी सगीरा व फी आयुनास कबीरा, और मुझे अपनी आँखों में हम्बल ह्यूमिलिटी वाला बना दे, और लोगों की नज़र में बड़ा बना दे, यानी इज्जत करें लोग हम सब की। सब्र की दुआ करें, और सब्र हम नहीं अचीव कर पाएंगे जब तक हम अल्लाह से तौफीक नहीं मांगेंगे सब्र करने की। और याद रखें सब्र करने से सब्र आता है। एक लास्ट बात वो ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ों पे सब्र नहीं भी करना चाहिए, जब अल्लाह के दीन की नाफरमानी हो रही हो, जब अल्लाह के दीन की धज्जियाँ उड़ा देनी चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हमेशा अपने मामलात में हमेशा सब्र किया करते थे, किसी ने जुल्म किया ज़्यादती की सब्र, लेकिन जब दीन के मामले में कोई सिफारिश करता था, उसामा बिन ज़ैद या रसूलल्लाह उस कबीले की खातून से चोरी हो गई है तो काइंडली उसके माफ़ कर दीजिए, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से में आ गया। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन का मामला है। दिस इज़ नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशंस को चैनलाइज करना जहाँ ज़रूरत है, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक मुसलमान का शियार और एक मुसलमान का तरीका है। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, डोंट लेट पीपल डिसाइड हाउ यू लिव, लेट योर सेल्फ डिसाइड हाउ यू लिव। इंशाल्लाह सब्र और शुक्र के साथ लाइफ गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको सब्र और शुक्र की हिम्मत दे और तौफीक दे, और साबिरीन और शाकिरीन में से बना दे, और इसके बदले अल्लाह ताला अपनी जन्नत में हम सबको दाखिल कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ वरज़क़ना तिबाअ, वअरिनल बातिला बातिला वरज़क़ना इज्तिनाबा। अल्लाह हमें हक़ दिखाए और हक़ को पैरवी करने की और हक़ को फॉलो करने की करज अदा करे, और हमें बातिल भी दिखा दे और बातिल को छोड़ने की हमें करज अदा कर दे। वआखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।